रेमडेसिविर का विकल्प जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी जगह पर और कौन सी दवाइयां इंजेक्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को वो लोग ध्यान से देखें जो रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर क्या विकल्प बता रहे हैं ये भी समझिए। क्या रेमडेसिविर जान बचाती है? आखिर रेमडेसिविर में ऐसा क्या है, क्यों डॉक्टर रेमडेसिविर की डिमांड कर रहे हैं? आज से करीब एक दशक पहले इस इंजेक्शन को हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए तैयार किया गया। इबोला महामारी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसे एक अमेरिकी दवा कंपनी मैसर्स गिलियड साइंसेज ने तैयार किया। ये टूटती सांसों को रोकती है, यानी ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेमडेसिविर की जगह 2 रुपए की डेक्सामेथासोन भी कारगर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के हाल के शोध में दावा है कि डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा है। ये दवा ARDS रोकने में काफी कारगर साबित होती है, खास तौर पर जिनमें लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इनमें ये 8 से 10 मिलीग्राम 24 घंटे में एक बार देने से वेंटिलेटर पर जाने की आशंका काफी कम हो जाती है। शोध वैज्ञानिकों ने 2000 कोरोना संक्रमित ऐसे मरीजों पर रिसर्च किया जिनमें ऑक्सीजन लेवल 90 से कम था। इन्हें डेक्सामेथासोन देने के बाद 28 दिन बाद परिणाम देखा गया तो पता चला कि इनमें मृत्यु दर कम थी, इसके साथ ही वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ी। रेमडेसिविर सिर्फ एक खास वर्ग में राहत दे सकती है। हाई ऑक्सीजन की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ पहले हफ्ते में ही देने से राहत की संभावना होती है। रेमडेसिविर दवा का कोई खुली स्टडी नहीं है, केवल फार्मा इंडस्ट्री के प्रायोजित शोध ही सामने आए हैं। कई सारी दवाइयां हैं जो हमें पता है कि फायदा करती ही हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी हो, या फिर वो स्टेरॉइड हो एट द राइट टाइम, या फिर एंटीबायोटिक्स हो। और ये वायरल बीमारी है जो मैक्सिमम लोगों में अपने आप विद टाइम ठीक हो जाती है, बस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जिनमें थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है उनमें कुछ दवाइयां हैं जो मदद करती हैं। सो रेमडेसिविर के अलावा कई सारी दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उन्हें फॉलो करना चाहिए। रेमडेसिविर की मांग और खपत की जहां तक बात है तो सरकार ने साफ कर दिया कि इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार के मुताबिक देश में हर दिन 1.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का बनना शुरू हो गया और अगले 1-2 दिन में इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह पर रेमडेसिविर की जगह और दवाइयां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमडेसिविर सिर्फ शुरुआत में थोड़ी मदद करती है, लेकिन लंबे वक्त के लिए दूसरी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं।